गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माँ की रसोई। तो मैं आज आई हूँ एक यूनिक एंड मेरे हिसाब से एक यूनिक और स्पेशल है मेरे लिए, तो एक नई रेसिपी के साथ। उसको आगे देखते रहिए, मैं आपको बताऊँगी कि ये यूनिक और स्पेशल क्यों है मेरे लिए। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चना दाल लिया है, इसको मैंने रात भर फूलने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल चुका है। देखिए यहाँ पे मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 पिंच अदरक लिया है और 5 मिर्ची ली है। मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, तीखा या कम तीखा। तो वीडियो में बने रहिए और आगे देखते रहिए। ये देखिए हमने मिक्सी का जार लिया है, अब हम इसमें चने की दाल डालेंगे। इसमें हम सारा चने की दाल डाल देंगे। ये देखिए हमने सारा चने की दाल इसमें डाल लिया है, अब हम इसमें ये लहसुन की कलियाँ और मिर्ची और ये 1 पीस अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, जैसा है वैसा ही इसको महीन पीसना है। ये देखिए हमने चने की दाल को पूरी पीस ली है, महीन पीसा है हमने और बिना पानी के मैंने ये इसको पीसा है। तो हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए हमने यहाँ पे करीबन 1/2 चम्मच जैसा जीरा पाउडर डाला है। देखिए हमने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और हम इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे धनिया काट कर डाला हुआ है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है, आप चाहे तो चावल का आटा भी लेकर इसे बना सकते हैं। तो हमने गेहूं का आटा यूज़ किया है, अब हम इसको गूंद लेंगे पानी से, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लेंगे। हमें इसे थोड़ा रोटी के जैसा ही सॉफ्ट गूंदना है, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमने आटा गूंद लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट रखा है, ज़्यादा टाइट नहीं रखा है इसे हमने। तो अब हम इसकी आटे की जैसे छोटी छोटी लोइयां कर लेंगे। ये देखिए हमारा लोई तैयार है। तो अब इसी तरीके से हम सारे आटे की लोइयां बना लेंगे, उसके बाद आगे दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए हमने लोई तैयार कर ली है, ये देखिए। तो हमने सूखा आटा भी ले लिया है, अब हमने देखिए एक लोई इसे सूखे आटा में लगाकर इसे बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम इसे। ये देखिए इसे हम लोग स्पेशली हम लोग उल्टा बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे फरा बोल के ही जानते हैं। तो ये जो हम बना रहे हैं इसे आप फरा भी बोल सकते हैं और उल्टा भी बोल सकते हैं। ये देखिए हमने इसे ज़्यादा पतला नहीं बेला है, थोड़ा मोटा ही रखा है। ये देखिए हमने इसे बेल लिया है, अब जो हमने पीस कर रेडी किया था ये हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, एक हिसाब से भरना है हमें इसे, और हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर कर दो साइड को ऐसे चिपका देंगे ताकि ये खुले ना, इसे हल्का सा प्रेस करना है हमें। ये देखिए हमने दो रेडी कर लिया है इस तरीके से बनाकर। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा हमें इसे प्रेस करके रखना है।
ताकि जब हम इससे डालें तब ये बाहर इसकी दाल ना निकल जाए, इसीलिए। और यहाँ पे हमने देखिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, पानी ऑलरेडी गर्म हो ही चुका है। ये देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे जिससे कि वो चिपके ना। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके अपने परा या फिर उल्टा डालेंगे हल्के हाथों से बिल्कुल। ये देखिए हमने बड़ा बड़ा ही बनाया है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए जो हमारा फरा है ये उबल रहा है काफ़ी। ये देखिए इसे हमें हल्के हाथ से ऐसे चलाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से पक जाए, तो आप देख सकते हैं। ये हमारा फरा किस तरीके से उबल रहा है, इसे हमने थोड़ा सा मीडियम लो फ्लेम पे रखा है और इसे हल्के हाथ से हमें घुमाते रहना है। और हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, इसे हमने आधा ही ढकना है, पूरा कवर नहीं करना है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है और इसे पकने के लिए रख दिया है। हमने करीबन 7 से 12 मिनट इसे पकने में लगेंगे, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ऑलरेडी लगभग रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे निकालेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मेरे लिए काफ़ी यूनिक और स्पेशल रेसिपी है, तो मैं बताती हूँ कि ये क्यों यूनिक और स्पेशल रेसिपी है मेरे लिए। क्योंकि ये मुझे बचपन की याद दिलाती है, क्योंकि हम लोग की दादी जो हैं वो हमें हमेशा बना के खिलाती थी काफ़ी, और मेरे पापा जो है वो भी डिमांड करते थे बहुत शौक से उनसे कि ये हमें खाना है, तो हमारी दादी हमें ये बना के खिलाती थी, तो इसीलिए ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये मुझे अपनी दादी की याद दिलाती हैं। तो आप भी, आपका भी अगर कोई ऐसा याद है, आपसे जुड़ी हुई कोई याद होगी आपसे, तो हमें कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जन बोलिएगा ताकि हमें पता चले, हम भी बहुत खुश होंगे कि हम आपको कोई ऐसी याद दिला पाएँ। तो हमें कोई भी जुड़ी हुई इससे यादें हों तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम इसे निकालते हैं, प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा फरा यानी कि उल्टा बिल्कुल रेडी हो चुका है गर्मा गर्म है सर्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसे आप हरी चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए हमने इसे काट लिया है, आप ये देख सकते हैं, देखिए इतना अच्छा लग रहा है देख के, बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी ठंडा होने के बाद थोड़ा टाइट होता है, पर आप इसे खाकर एंजॉय करेंगे ये ऐसा मुझे लगता है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।